बेटियां। नमस्कार, बेटिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रचना। बीते 3 साल से इंडिया न्यूज के इस खास शो बेटियां के जरिए उन बेटियों की अनकही और अनसुनी कहानियां सुना रहा है, जिनके आगे हालात हिम्मत हार गए और कामयाबी ने उनके कदम चूम लिए। वो बेटियां सैकड़ों हजारों के लिए मिसाल बन गई। हम जिस मकसद को लेकर आगे बढ़े थे, उसमें कामयाब हुए या नहीं, उसके तो कई पैमाने हो सकते हैं, लेकिन समाज में बेटियों को लेकर जब बात होती है, उनके मुद्दों पर मंच साझा किए जाते हैं, तो उसमें हमारी इस कोशिश को भी सराहा जाता है, और ये हमारे लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं। यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री की ये धरती है। सीता, राधा, अन्नपूर्णा की शक्तियों से भरी पूरी है हमारी धरती। Work for literature goes to Ms. Chitra Mudgal. Lakshmi is an avid campaigner with top acid attacks and a voice of the victims who are the survivors of acid attacks. Among the women achievers, we are also giving a special award to Mr. Kartik Sharma, managing director of ITV Group, for running a TV series called Betiya for women empowerment. Mr. Kartik Sharma, please. India News, this program which has been running for the last 2-3 years, is a very popular program based on women. The women who have excelled in the field and the women who are courageous to fight against the men. सिर्फ एक शो नहीं, मुहिम है। ऐसी मुहिम जो समाज को बेटियों की ताकत का एहसास कराती है, उनके संघर्ष की कहानी सुनाती है, ताकि पुरुष प्रधान माने जाने वाले समाज में ये साफ और सीधा संदेश जाए कि बेटियां अनमोल हैं, वो दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, अन्नपूर्णा हैं। इस मंच पर और मंच के नीचे देश की वो ख्याति प्राप्त बेटियां विराजमान हैं, जिन्होंने अपनी मौजूदगी का न सिर्फ माँ बाप, न सिर्फ रिश्तेदार, बल्कि समाज और देश तक को ये एहसास कराया, उनके होने और ना होने के कितने मायने हैं। हम अपने देश को, भारत को, जब प्यार से याद करते हैं या संबोधित करते हैं, तो हम भारत पिताजी नहीं बोलते हैं, हम भारत माता बोलते हैं। हम भारत माता की जय बोलते हैं। भारतीय सेना भारत माता की जय बोलता है। पिता भी कह सकते थे, पर जननी से जो संबंध है वो बहुत गहरा है। शरीर, मन, भावना, धर्म, संस्कृति, संस्कार, हर दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्त्रैण शक्ति कार्यवंत होती हमें सब जगह दिखाई देती है। गुरु आनंद मूर्ति खुद एक बेटी है और अपने बेटी होने पर वो गर्व करती है। वो कहती है कि अगर ऊपर वाला उनसे पूछता कि तुम्हें स्त्री का शरीर चाहिए या पुरुष का, तो वो स्त्री ही बनना चाहती। हमारे यहाँ इतने उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहाँ स्त्रियों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि सुन के गर्व होता है। और मैं सच कहती हूँ, अगर ईश्वर ने मुझसे पूछा होता कि पुरुष का शरीर चाहिए कि स्त्री का, हालांकि पूछा नहीं था, मिल गया है, पर अगर पूछा होता तो मैं सच सम्मान और गर्व से स्त्री का ही शरीर लेती। देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एनजीओ इंडिया आई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर ने यूएन इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर इंडिया एंड भूटान के साथ मिलकर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बेटिया नाम से कार्यक्रम आयोजित किया। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां पर उस घर के अंदर, उस समाज के अंदर, उस देश के अंदर सर्वथा विकास रहेगा। लेकिन आज क्या देख रहे हैं? भ्रूण हत्या, नृशंस हत्या, दहेज हत्या,
तेजाब से उत्पीड़न, रेप से उत्पीड़न, एक भयभीत माहौल के अंदर हमारे देश की कन्याएं रह रही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं कुछ फैक्ट्स को अध्ययन कर रहा था। आज देश में 4 करोड़ महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में कम हैं। आने वाले 5 से 10 वर्ष में 1 करोड़ पुरुष ऐसे होंगे जिन्हें विवाह योग्य कन्याएं ही नहीं मिलने वाली। हम सब बोलते हैं कि बेटी है तो कल है, अब यह सच भी है, लेकिन कई बार हम सच को जानते भी हैं लेकिन सच को मानते नहीं हैं, और उसी का परिणाम होता है कि असंतुलन दिखाई देता है। हम विश्व में एक महाशक्ति बनने की दिशा में हैं। हम मंगल तक पहुंच गए लेकिन 21वीं सदी में होकर भी सोच में हम पीछे हैं। कुछ कदम बढ़ाए गए हैं, कोशिशें की गई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। कि हमारे देश में मंदिर बहुत हैं, गुरुद्वारे बहुत हैं, धर्मशाला बहुत हैं। अभी थोड़ी देर मंदिरों से पीछे हटते हैं, मूर्तियों से पीछे हटते हैं, और ये जो ईश्वर की बनाई हुई साक्षात मूर्तियां हैं, थोड़ी इनकी सेवा करते हैं। परम पूज्य गुरु माँ आनंद मूर्ति जी को करुणा सरस्वती सम्मान देकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, उनको सम्मानित करें। दुनिया भर में बेटियों के लिए जो काम किया उसके कारण दुनिया भर में उनको जाना जाता है, उनकी ख्याति जो है वो दुनिया भर में है। बालिकाओं के संवर्धन के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। हम आज 2016 में हैं लेकिन 1999 में उन्होंने बालिकाओं को सफल बनाने के लिए शक्ति विद्या कोष की स्थापना की थी। गुरु माँ आनंद मूर्ति को इस मंच पर करुणा सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट का ये अवार्ड गुरु माँ आनंद मूर्ति को पूरी दुनिया में कन्या शिक्षा को लेकर जागृति फैलाने के लिए दिया गया। जब तक हम कन्या को देवी कहते रहेंगे ना, माफ कीजिएगा, आप उसको मनुष्य की तरह जीने का अधिकार नहीं दे पाओगे। आज समय आ गया है कि हम उसे देवी ना कहें, हम उसे मानव ही रहने दें। हम उसे ये ना कहें कि चूंकि तुम देवी हो इसलिए त्याग तुम करो, चूंकि तुम देवी हो इसलिए सेवा तुम करो, चूंकि तुम देवी हो तो चुपचाप बैठे रहो, धीरज की मूर्ति बने रहो और कहो कुछ नहीं और बोलो कुछ नहीं, और फिर तुम पे जुल्म होता हो पिता से, भाई से, माँ से, जेठ से, देवर से, ससुर से, चुपचाप सहना, बोलना कुछ मत, देवी मत कहो। मैं कहूंगी उसे देवी मत, उसे लेट हर बी जस्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड गिव हर अ राइट टू लिव। ये बात सच है, हमें बेटियों को लेकर कुछ मान्यताओं को तोड़ना होगा, बेटे और बेटियों के बीच के फर्क को मिटाना होगा, कुछ रस्मों को हटाना होगा, तभी हम देश में, समाज में बेटियों को लेकर बड़े बदलाव देख सकते हैं। ईश्वर ने ये शरीर स्त्री का दिया है और स्त्री से संबंधित ये समस्या मेरे सामने आ रही है, तो इसके विषय में मुझे चर्चा करनी ही पड़ेगी। तो शोध किया, समझने की चेष्टा करी, तो बहुत सी चीजें सामने आई। एक जो सबसे बड़ी बात है, जो पुत्र पुत्री का भेद जो दिखाई दिया, उसके पीछे कारण एक तो अर्थ की शक्ति है, दूसरे शिक्षा की शक्ति है, क्योंकि पुत्र कमा रहा है, पुत्र से नाम और वंश चल रहा है, और पिताजी या माताजी मर जाएंगे तो अग्नि को देने वाला कार्य भी पुत्र करेगा, पुत्री नहीं करती है, और पुत्र से अगर नाम चलेगा तो माँ पिता चाहते हैं हम मरेंगे तो हमारी को कोई अग्नि देवे, हम बुढ़े होंगे तो हमारा पुत्र और हमारी बहू हमारी सेवा करेगी, हमारा नाम चलेगा और हमारे यश होगा, हमारे बाद भी कोई हमारा नाम लेवा होना चाहिए, श्राद्ध होगा तो पुत्र नहीं होगा तो श्राद्ध कौन करेगा। तो पुत्री की जो आवश्यकता है और उपयोगिता वो थोड़ी कम होने होती हुई होती ये हो गई कि तो जिसके पास संभव हुआ उसने कहा कि पुत्री तो पैदा ही नहीं करनी चाहिए। दुर्गा शक्ति नागपाल, अ यंग इंडियन ब्यूरोक्रेट, फॉट हीरोइकली अगेंस्ट द माफियाज इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब एंड लेटर फेस्ड द आयर ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। शी इज करंटली सर्विंग एज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह, मिस दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल को पूरा देश उनकी साफ सुथरी छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली साहसी बेटी के तौर पर जानता है। साल 2009 बैच की आईएएस दुर्गा शक्ति अपने नाम की तरह ही है।
दुर्गा ने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। 28 साल की दुर्गा स्वभाव से तेज तर्रार है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एसडीएम के पद पर रहते हुए दुर्गा ने यमुना नदी के खादर में रेत से भरी 300 ट्रॉलियों को अपने कब्जे में ले लिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना और हिंडन नदियों में खनन माफियाओं पर नजर रखने के लिए दुर्गा ने अपनी लीडरशिप में उड़न दस्तों का गठन किया, लेकिन वो इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार हो गई। यूपी के आईएएस एसोसिएशन का दुर्गा को साथ मिला और यूपी सरकार को दुर्गा के आगे झुकना पड़ा। महिलाएं अपने आप अपनी ताकत पहचान रही हैं, सशक्त हो रही हैं, विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं उनके विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ना केवल बराबरी पर पुरुषों को पीछे छोड़ देंगे। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता विराज करते हैं। देवता के विराजमान का मतलब ये नहीं होती कि वो भगवान से कोई शेप आ गई। जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पे सद्भावना है, जहाँ पे सहिष्णुता है, जहाँ पे अपनापन है, वो उसका डिजेनरेशन होते होते आज हम समाज में रेप्स देख रहे हैं, आज हम समाज में लोगों को तेजाब से जलाते हुए देख रहे हैं, आज हम उनको अशिक्षा देख रहे हैं, आज हमने दहेज प्रथा देख रहे हैं, एक टोटल इम्बैलेंस। और बेटियां में यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। बेटियां, 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 बेटियां। बेटियां साक्षात शक्ति है। जिन बेटियों ने अपनी शक्ति को पहचाना उन्होंने इस समाज के सामने मिसालें कायम की। उन्होंने दिखाया कि अगर वो चाह ले, अगर वो ठान ले तो वो हर मुश्किल से लड़ सकती हैं। अचीवर्स अवार्ड गोज टू मिस भारती अरोड़ा द आईपीएस ऑफिसर। शी इज अ सीनियर हरियाणा काडर आईपीएस ऑफिसर नोन फॉर हर करेजियस एक्शंस टेकन अगेंस्ट अ हाई प्रोफाइल केस। शी वॉज अमंग द 100 वुमेन अचीवर्स हु वर फेलिसिटेटेड बाय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एट राष्ट्रपति भवन। She has introduced several community policing programs, welfare programs for jail inmates. She has also worked for prevention of sexual abuse of rights at Rewari and Faridabad during her postings at Rewari and Faridabad. Haryana ki IPS officer Bharti Arora तब सुर्खियों में आई जब साल 2009 में भारती ने उस समय के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को एक प्रदर्शन का नेतृत्व करने के दौरान सड़क जाम हो जाने पर भारती ने विज को गिरफ्तार कर लिया। विज को तो जमानत मिल गई, लेकिन भारती को अपनी इस हिम्मत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी आईपीएस अधिकारी को स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्ति का आदेश मिला हो। ऐसी ही होती हैं बेटियां। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की नायला बलूच बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रही हैं। बेटियों के इस मंच से नायला को उनकी हिम्मत और हौसलों के लिए सम्मान मिला। वर्ल्ड बलूच वुमेन फोरम इज अ लॉन्ग टाइम कैंपेनर इन फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान। शी हैज रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड इंसिस्टेड ऑन कैरिंग ऑल पीसफुल मींस टू अटेन the freedom. Balochistan is Pakistan's largest province in terms of area and has witnessed a long-running insurgency. A big round of applause for Narila ji. Girl child challenges and responsibility विषय पर जब देश की सशक्त महिलाओं का पैनल बैठा तो नायला ने इस मंच से सीधे बलूचिस्तान में बेटियों के हालात को यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा दिया। I just wanna say to United Nations that if really you believe in girl child issue, if really you believe saving girl child, so Mr. Ban Ki-moon, the girl children of Balochistan, millions of girl children are facing genocide by the weapons of mass destruction, chemical weapons by Pakistan army. The Baloch girl child, she is facing rape. She is facing killing and mutilated bodies, tortures of Pakistan army. She is facing trade of her organs, body organs, her eyes and heart and liver
they are getting sold by Pakistan Army through a mafia of organ trade. So where are you, UN, for the girl children of Balochistan? एक बेटी जिसकी आवाज चार दीवारी में कैद कर ली जाती है और एक बेटी जो अपनी आवाज से पूरी दुनिया को हिला देती है। देश की हर बेटी को अपने अंदर छिपी हुई इसी ताकत को पहचानना है, ऐसी ही हिम्मत का परिचय देना है, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि जिस दिन बेटियां खड़ी हो गईं, उस दिन उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वो पीठ में लिए अंग्रेजों के दांत खट्टी कर दिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश बेटियां में बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। बेटियां, बेटियां, बेटियां।